Hello friends, welcome to my YouTube channel Woodofa. I hope you're liking the videos which I am posting. So today, as you can see, we are out in the market to review sanitary fittings. आज हम मार्केट में बाहर sanitary fittings, बाथरूम की fittings जो हैं उनको रिव्यू करेंगे, चाहे वो डाइवर्टर्स हैं, स्पाउट्स हैं, शावर्स हैं या वेरियस बाथरूम की फिटिंग्स हैं. Before I do that, I will request if you haven't subscribed to my channel yet, अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है चैनल का और सब्सक्राइब नहीं किया है and you haven't clicked on the bell notification, please do that. अब हम बाथरूम की फिटिंग्स की तरफ आ गए हैं. तो ये डाइवर्टर पैनल है, इसके साथ इसकी इंटरनल बॉडी आती है जो दीवार के अंदर लगती है और ये बाहर की प्लेट है जो दीवार के बाहर लगती है. इसके थ्रू आप गर्म पानी और ठंडे पानी का मिक्सचर कंट्रोल कर सकते हो. एक ही सिंगल टैप विच इज़ स्पाउट, इसके थ्रू आप गर्म या ठंडा पानी मिक्स करके या इंडिविजुअली अलग अलग ले सकते हो. ये आपका शावर है. शावर का वेरियस साइज है 10 इंच बाय 10 इंच, 12 इंच बाय 12 इंच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये टाइल लगाने से पहले लगेगा इंटरनल दीवार के अंदर और ये जब टाइल लग जाएगी उसके बाद लगेगा. इसका बेसिक प्राइस लगभग 2800 रुपये के करीब है और इसकी प्लेट का बेसिक प्राइस लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में है. वेयर स्पाउट विल बी अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ एंड अ ब्रांडेड शावर क्योंकि ये हिंडवेयर का है तो दिस विल बी अराउंड 10000. इसी का लोकल वर्जन हो सकता है 4000 या 5000 रुपये में आ जाए. ये काफ़ी अच्छा रेन वाटर शावर कहलाया जाता है. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फिटिंग विच इज़ यूज इन द बेथिंग एरिया. इसको बोलते हैं वॉल मिक्सचर. तो इस जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें डाइवर्टर अलग से प्लेट की ज़रूरत नहीं होती. इस पूरे सेट के अंदर ही इसके अपने रोटेशन एंगल्स, गर्म और ठंडे पानी के लिए एंड सेम एलिमेंट होता है पानी के लिए. सो यू डोंट नीड स्पाउट सेपरेटली, यू डोंट नीड शावर सेपरेटली, यू डोंट नीड एनीथिंग सेपरेटली. यू कैन गेट एवरीथिंग विद इन दिस. इसके साथ एक फिटिंग आती है जिसमें आप हैंड शावर भी लगा सकते हो, वो इस तरीके की होती है. तो अपना एक हैंड शावर अलग से ले लीजिए और उसको इसके साथ फिट कर लीजिए. तो उसके लिए आपको फिर शावर पैनल की भी ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी या फिर इसको एडिशनली ऑप्शनली एलिमेंट की तरह भी लगाया जा सकता है. इसकी कुल कॉस्ट अबाउट 4000 रुपीज़ होती है. इसके साथ अगर आप अलग से एक और टैप लगाना चाहते हैं तो दिस विल कम अराउंड 1000 रुपीज़ एंड इसके अपने एंगल वॉल्व्स होते हैं विच इज़ अबाउट 450 to 500 रुपीज़ पर पीस. ये वेरियस टाइप्स की फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसीज़ हैं. सो इनको अक्सर जहाँ पर वॉल हंग करने की जगह नहीं होती या आप करना नहीं चाहते आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई ख़राबी नहीं है. इसका जो कवर प्लेट होता है ये भी सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स में आता है सो दैट आप इसको जब ओपन करें और क्लोज़ करें तो वो भी सॉफ्टली बंद होता है. इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपीज़ टू 12,000 to 15,000 रुपीज़ की है विद इन हिंडवेयर. ये वॉल हंग WC है. इफ़ यू सी देर इज़ अ प्लेट एट द बैक. तो ये प्लेट डायरेक्टली टाइल्स के ऊपर लगाई जाती है. बिफोर एडिंग द प्लेट्स आपको इसके पीछे इंटरनल बॉडी फिटिंग लगानी होती है. ये सीट है. सीट की आप शेप देखें तो ओवल शेप है. इसका कवर अभी फिटेड नहीं है सीट के ऊपर, अदरवाइज़ ये सीट का कवर भी सॉफ्ट क्लोज फिटिंग में आता है. सो आप हमेशा ध्यान रखें जब आपका बाथरूम बन रहा है सबसे पहले उसको जब ब्रिक वर्क हो गया, जब उसका ईंट का काम हो गया तो उसके ऊपर इंटरनल बॉडी फिटिंग इसकी लगवा लें विच इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्न उसको बोलते हैं. और इससे पहले आपको सीट और उसका मॉडल ज़रूर पसंद कर लेना चाहिए, बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये जो इसकी शीट है जो आगे ऊपर आप सिल्वर कलर की देख रहे हैं, इसमें वेरियस कलर्स और वेरियस टाइप्स आते हैं तो आप कैसा भी अपने पसंद के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं. ये एक फुल बॉडी पेडिस्टल वॉश बेसिन है. इसका पूरा एक पेडिस्टल होता है आप अगर आप नीचे तक देखें और ऊपर इसका एक वॉश बेसिन होता है. इसके अंदर भी वेरियस साइजेस होते हैं. ये 12 इंच से लेके 36 इंच 48 इंच के साइज़ों में भी आता है. सो दिस इज़ द बेसिन मिक्सचर और द टैप विच इज़ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ दिस बेसिन. तो बेसिन के ऊपर टैप लगाया गया है, इसको बोलते हैं बेसिन मिक्सचर. ये एक दूसरे टाइप का बेसिन मिक्सचर है जिसको हम सेंटर होल बेसिन मिक्सचर बोलते हैं. तो इसके साथ आप देखें दो नॉब्स होते हैं और उसके बाद पानी इसके अंदर गर्म और ठंडा मिक्स होके आता है. तो ये दिस इज़ कॉल्ड एज काउंटर टॉप वॉश बेसिन. तो इसको ना मार्बल के काउंटर के ऊपर डायरेक्टली प्लेस करते हैं एंड इसके नीचे वैनिटी. इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ वैनिटी. अगर आप वैनिटी ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं. इस बेसिन के ऊपर आप जैसे देखें लॉन्ग बॉडी बेसिन मिक्सचर लगाया गया है. तो ये भी दो तीन टाइप के आते हैं, या तो आप बेसिन के ऊपर लगा दीजिए या बेसिन के अंदर ही अगर होल है तो उस होल के अंदर भी आप शॉर्ट बॉडी बेसिन मिक्सचर लगा सकते हैं। I hope you like this video about Hindware sanitary bath fittings. So it does not come only in Hindware. There are various companies where you can go out in the market and try. So बहुत सारी companies जिसको आप try कर सकते हैं. Hindware is one of the best. So that is why I am reviewing it today. I have reviewed all the bathroom fittings required in a single bathroom, and there are multiple types. You can review it later whenever you go out in the market. Before I sign it up, thank you so much. Please subscribe to my channel if you haven't subscribed to it yet. And also click on the bell notification button. Thank you.